नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गुरुवार की सुबह मऊरानीपुर जिला अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने मऊरानीपुर नगर के सभी वार्डों व मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर पर्याप्त साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना के बचाव व लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से दूरी बनाए रखने की अपील की। गुरुवार को मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने मऊरानीपुर नगर के वार्डों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने वार्डों में फैली गंदगी व साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को नगर में पर्याप्त साफ सफाई रखने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, जहाँ उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में साफ सफाई का जायजा लेते हुए आइसोलेशन वार्ड, जर्नल वार्ड, डिलीवरी वार्ड, चिकित्सकों के कक्ष के साथ दवाओं का स्टॉक रजिस्टर भी देखा। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों से दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने मऊरानीपुर मंडी परिषद में भी साफ सफाई का जायजा लिया। उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए नगर व क्षेत्र के लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके आसपास में अगर किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति मिलता है तो वह तत्काल सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। साथ ही भ्रामक खबरों से बचें, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कहां कहां निरीक्षण किया गया और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज हमारे द्वारा यहां पे हमारा सीएससी है, उसका पूरा का पूरा निरीक्षण किया गया, जहां पे जो पूरे का पूरा सीएससी में जितने डॉक्टर्स थे वो सभी मरीजों को जो हमारी ओपीडी थी वहां पे देख रहे थे रेगुलर। उसके साथ साथ में कोरोना के विशेष बचाव के लिए एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है, जिसमें 7 बेड लगाए गए हैं और उसके लिए अलग इंतजाम भी किए गए हैं। साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी की पूरी पूर्ण वहाँ पे पाई गई है। इसके साथ साथ में पूरी नगर पालिका मऊरानीपुर का भी भ्रमण किया गया, जहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था उचित पाई गई। कुछ जगह पे जहाँ पे कमियाँ पाई गई वहाँ पे ईओ साहब को बता दिया गया और उसकी साफ़ सफाई जो है तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर के किसी प्रकार का हमारा सभी जितने सम्मानित हमारे मऊरानीपुर के नागरिक हैं, सभी से हमारा अनुरोध है कि किसी प्रकार की कोई भी घबराहट में मत आएँ, किसी प्रकार का कोई भी पैनिक ना करें। इसमें केवल आप अपने साथ साथ में अपने परिवार का और साथ साथ में जो घर है बाहर है वहाँ पे साफ़ सफाई और स्वच्छता को बना करके रखें, और इसके साथ साथ में लगातार अपने जो हाथ हैं वो सैनिटाइजर से या साबुन से उसको लगातार धोते रहें। बच्चों को भी इसके लिए इंस्ट्रक्ट करते रहें, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको। इसके साथ साथ में हमारे जितने भी व्यापार मंडल हैं उनसे भी हमारा ये सादर अनुरोध है कि वो आसपास की जितनी भी उनके सभी व्यापारी बंधु हैं उनको भी ये जन जागरूकता अभियान के साथ में जोड़ें और साफ़ सफाई जो है उसको बना करके रखें। इसके साथ साथ में हमारा जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी ये हमारा सादर अनुरोध है कि जो साफ़ सफाई है उसकी व्यवस्था को बना करके रखें और किसी प्रकार का कोई भी घबराहट ना रखें। दूसरी चीज़ है कि इसमें भीड़ ना इकट्ठे हों। आपके जो भी जो कार्यक्रम है, जो आप बाज़ार से सामान लेने आते हैं, आप बिल्कुल उसको आइए, लेकिन वहाँ पर भीड़ ना एकत्रित होने दें। भीड़ इकट्ठा होने से इसका संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप जो भी सामान्य रोज़मर्रा के कार्यक्रम है उसको आप आराम से कीजिए, किसी प्रकार का भय रहित होकर के करें, लेकिन बस भीड़ इकट्ठा ना करें। आप आए, दो तीन लोग आए, अपना सामान लें और जाएं। इस बिल्कुल जिस प्रकार के माहौल है उसको अच्छे से जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं उसको सभी लोग मनाएं, लेकिन बस भीड़ को कम। तो सामान्य फ्लू या बुखार अगर आता है तो उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराएं। आप यहाँ पे सीएससी में आइए, उसके लिए पूरा बंदोबस्त है, आपकी जो भी दवाई है उसको दे दी जाएगी। कोरोना से और फ्लू से जो है कोई आसपास में इसकी भय आक्रांत होने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल फ्लू है। अगर आपको होता है तो उसका यहाँ पे पूरी की पूरी व्यवस्था है जो यहाँ पे हमारे सरकारी अस्पताल में की गई। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मऊरानीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।